गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, माय नेम इज़ गौरव। यू एम एस फैकल्टी फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली इन कॉलाबोरेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा बात कर रहे हैं बेटा लास्ट क्लास की। तो बेटा हमारा स्टेट लाइन चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। चलिए बेटा हम इससे कंटिन्यू करने वाले। चलिए बेटा बात करते हैं आगे से। चलिए बेटा डबल इंटरसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, अगर आपको याद हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा देखो अभी तक आपने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म, एक पढ़ा था आपने डबल, ये दूसरा है बेटा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। बेटा देखिए सिंगल हमने जो नॉर्मल पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था बेटा, वो था मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m मेरा स्लोप बताता है और c मेरा y इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है ना। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है बेटा, ये बेटा अगर मुझे किसी भी लाइन के x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट दे रखा है, मान लो ये बेटा मेरे पास क्या है a है, ये मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास ये बेटा बी है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी बेटा वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगी, वन हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी, ठीक है। करने का सर, करने का तरीका बेटा, करने का बेटा तरीका वही होगा जो हम नॉर्मली करते हैं बेटा। कैसे देखो, अगर बेटा मैं इस पॉइंट की या इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, जीरो कॉमा वाई जीरो कॉमा बी, ठीक है। और इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी बेटा, इस पॉइंट की होगी बेटा ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो बेटा आप क्या करो, दो पॉइंट दे रखें, दो पॉइंट दे रखें ना, तो इक्वेशन ऑफ नाइन निकाल लो यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। तो क्या होगा बेटा, वाई माइनस बी इज इक्वल टू, वाई माइनस बी मतलब मैं इसको एक्स वन, इसको वाई वन बोल रहा हूँ, और इसको बेटा एक्स टू और इसको वाई टू बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये होगा y माइनस वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन दैट इज माइनस बी जीरो माइनस बी अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज ए माइनस जीरो दैट इज ए, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस एक्स वन दैट इज जीरो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, ठीक है। अगला काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते बेटा ए यहां से हट जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई। तो देखो मुझे क्या मिल चुका है बेटा, मुझे मिल चुका है ए वाई, ठीक है। इस बी वाई बी जो वाई एक्स माइनस बी एक्स लिखा उसको उधर ले आऊं तो बेटा ये प्लस बी एक्स हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा जब इसका मल्टीप्लाई ए बी से होगा तो माइनस ए बी देगा, और बेटा माइनस ए बी को अगर मैं दिया हूं तो प्लस ए बी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? मैं दो तीन स्टेप एक साथ खा गया, ठीक है। हाँ एक बार और समझा देता हूं, ये इधर ए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले ए से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर a आ गया, उसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए वाई माइनस ए बी, और इधर मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी एक्स, ठीक है। माइनस बी एक्स को तो मैं इधर ले गया और ए बी को बेटा मैं इधर ले गया, ये क्वेश्चन आई कि नहीं आई? अगला काम पूरे क्वेश्चन का ए बी से डिवाइड कर दो तो मुझे आपको क्या मिलेगा, वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वन, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब ए क्या था बेटा मेरा एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या था मेरा y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा, इक्वेशन बेटा मेरे पास आ गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या बोलूंगा, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, बेटा ट्रांसफॉर्मिंग अगर आपको कभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो बड़ा इजी होता है, बहुत इजी होता है। देखो मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस सी को इक्वेशन दे रखी है और आपको उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेटा कुछ मत करो, पहली बात तो यहाँ पे वन बना दो, क्या बना दो, वन, ठीक है ना। हाँ और एक्स का जो भी कोफिशियंट है ना इसके आगे वन करो, बाकी पूरा नीचे। देखो इसके आगे मेरा वन था, इसका कोफिशियंट नीचे था, कोफिशियंट वन अपॉन समथिंग था, एक्स का जो कोफिशियंट है वो वन अपॉन समथिंग और वाई का कोफिशियंट भी वन अपॉन समथिंग था, ठीक है। तो अगर ए है तो बेटा उसे अपॉन में ले जाओ, किसमें ले जाओ, अपॉन में। तो पहली बात तो ये वन कैसे होगा, अगर मैं पूरे का सी से डिवाइड कर दूं तो बेटा ये हो गया बाई सी, बाई सी, ठीक है। बट अभी भी अपॉन में सो नहीं हो रहा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, एक्स अपॉन सी बाई ए प्लस वाई अपॉन सी बाई बी, सी बाई बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इज इक्वल टू वन बेटा, ये मेरा हो गया कन्वर्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में। और अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन जो लाइन होगी वो इस तरह से होगी, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये होगी बेटा मेरे पास सी बाई ए, और ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी बेटा मेरे पास होगी बी बाई ए, ठीक है ना। तो बेटा ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा मेरे पास काफी काम आती है जो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे मैंने लिया है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन,
अगला काम 6 से डिवाइड कर दो तो बेटा मुझे मिल गया x x। हाँ एक बात और समझ जा बेटा, बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर मेरे पास हमेशा प्लस रहता है, देखो यहाँ पे माइनस आ रखा है ना, तो बेटा माइनस को आपको इस कोफिशिएंट के साथ पूरा नीचे जाना पड़ेगा। तो देखो -3/2 आ रहा है इधर, अगर मैं देखूं तो -3/6 आ रहा है, तो काटूंगा तो y/2 मिलेगा, ठीक है। तो बेटा माइनस को आपको यहां नहीं रखना, आपको फॉर्म हमेशा ये रखनी है x/(x)a + y/(b), ये हमेशा प्लस में रहेगा। और अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो बेटा आप माइनस इसको दे दोगे, इसको दे दोगे, और अगर इधर माइनस आ रहा है तो बेटा इस माइनस को आप इस a को दे दोगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बेटा अगर आप इधर देखे तो y के आगे माइनस आ रहा है, तो बेटा उस माइनस को किसको दे दोगे? 2 को दे दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? x/(3) + y/-2=1। इसका मतलब x इंटरसेप्ट +3 और y इंटरसेप्ट -2। तो आंसर की इक्वेशन क्या लाइन क्या बन गई बेटा? मेरे पास ये लाइन बन गई। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये वाला आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 एंड हैविंग एट एक्स इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब बेटा जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास लाइन बन रही है उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट का ट्वाइस है। मतलब अगर ये ए है तो बेटा ये मेरे पास 2a है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? x/(a)(2a) + y/(a)=1 होगी? नहीं होगी। अब एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है? एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो 2, 3 से पास कर रही है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन को 2, 3 सेटिस्फाई करेगा? करेगा नहीं करेगा। तो x की जगह 2 और y की जगह 3, तो बेटा ये आ गया 2 और ये आ गया 3। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सभी को काटा पीटी कर दे बेटा। ये आ गया 1, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया बेटा? मुझे यहाँ से मिल गया 4/(a)=1, दैट इज a=4। तो मेरा क्या निकल गया? इक्वेशन निकल गई, ए मेरा 4 आ गया, तो x/8 क्योंकि 2 into a था, +y/4=1, ठीक है। अगला इक्वेशन आपसे बोल रहा है फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट, बेटा इस लाइन के सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालने हैं। तो क्या करो, सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा, तो =12 कर दो, ये +12 हो गया। अगला काम 12 से डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा? x/6 + y/4=1, सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना आ गया? 6 + 4, दैट इज 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 4, 3 एंड हैविंग सम ऑफ इंटरसेप्ट −1। एग्जामिनर ने बोल रखा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट मुझे -1 दे रखा है, और बेटा वो जो पॉइंट है वो बेटा 4, 3 से क्या हो रही है? पास हो रही है। बेटा देखिए आपसे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, लाइन पासिंग थ्रू 4, 3 से आपकी लाइन पास कर रही है, और बेटा सम ऑफ इंटरसेप्ट बेटा आपको 1 दे रखा है। इसका मतलब बेटा अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ x/(a)+y/(b)=1, तो बेटा मुझे क्या दे रखा है? दोनों का सम दे रखा है -1। इसका मतलब a + b = -1, तो बेटा b मेरे पास कितना आ गया बेटा? b मेरे पास आ गया बेटा -a - 1। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, अब b की जगह बेटा इसको यहां डाल दो, एक की जगह एक ही मैंने क्या निकाला, मैंने बी को निकाला, ठीक है, और मुझे पॉइंट पास हो रहा है 4, 3 से, ठीक है ना। तो बेटा इसको यहाँ डाल दो, आपका आंसर आ गया, कितना आ गया? x/(a)+y/-1 - a=1। पॉइंट क्या है बेटा? 4, 3 बेटा मेरे पास पॉइंट है, 4, 3 ही है ना बेटा, 4, 3 हाँ 4, 3 है। तो एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 3, एक्स की जगह 4 और y की जगह 3। अगला काम क्या होगा? एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो, आपका ए निकल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये बेटा सिंपलीफाई आपको खुद करना है आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एक्स एंड वाई आर डिवाइड द इंटरसेप्ट पार्ट ऑफ ए लाइन इन रेशियो m1 n2, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। बेटा देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि जो x1 y1 है वो पूरी लाइन को डिवाइड कर रहे हैं m1:m2 के रेशियो में, तो बेटा मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब बेटा देखो हम दो चीज समझिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहली बात तो रेशियो जो डिवाइड कर रहा है बेटा वो इंटरसेप्ट पार्ट को डिवाइड कर रहा है, इंटरसेप्ट पार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है ना बेटा। अगर कभी बोले इंटरसेप्ट पार्ट ऑफ द लाइन, इसका मतलब होता है ये वाला हिस्सा,
जो दोनों एक्सिस के बीच में जो ये वाला हिस्सा है बेटा, हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट पार्ट ऑफ द लाइन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इसकी बेटा अगर मैं इक्वेशन निकालता हूं, तो अभी हमने देखिए डबल इंटरसेक्ट फॉर्म की इक्वेशन, अगर ये ए कॉमा जीरो है और ये बेटा मेरे पास बी कॉमा जीरो है, तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बेटा मेरे पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, होगी नहीं होगी? अब बेटा पंगा की बात ये है कि एग्जामिनर यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वन कॉमा वाई वन जो पॉइंट है वो इस लाइन को एम वन इज टू एम टू रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है ना? अब बेटा एक बात समझना कि भैया हमसे जो एग्जामिनर बोल रहा है उसने मुझे क्वेश्चन के अंदर एम वन दिया है, एम टू दिया है, एक्स वन दिया है, एक्स टू दिया है, ठीक है ना? इक्वेशन के लिए बेटा मेरे पास एक्स और वाई तो वेरिएबल होते ही होते हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा इस इक्वेशन में कहीं पे भी ए का और बी का कोई भी जिक्र नहीं है, ये दोनों मेरे खुद के अजम्पशन हैं कि भैया ये जो दूरी होगी वो ए होगी और ये जो दूरी होगी बेटा वो बी होगी, वो बेटा मेरे खुद के अजम्पशन है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब जब भी मैं आंसर दूंगा ना, तो ए और बी के टर्म में नहीं दूंगा, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन से कैसे भी करके ए और बी को रिमूव करना है। किससे रिमूव करना है बेटा? इससे, एक्स वन एम वन एम टू एक्स वन एक्स टू से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? जीरो कॉमा बी, ठीक है? तो जरा समझना बेटा, देखो एक्स वन मेरे पास क्या होता है बेटा, एक्स वन बेटा मेरे पास होता है, एक्स वन की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा एक्स वन क्या हो जाएगा, एम टू इंटू ए प्लस एम वन इंटू जीरो अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो बेटा ये हो गया एक्स वन इज इक्वल टू एम टू ए अपॉन एम वन एम टू। और वाई टू कितना हो जाएगा बेटा, वाई टू हो जाएगा एम वन बी प्लस एम वन एम टू, होगा नहीं होगा? अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो बेटा देखो मैंने क्या कहा था, आपके लिए अननोन क्या है, आपके लिए अननोन ए और बी आपके लिए अननोन है, तो क्या करोगे बेटा, यहां से आप ए और बी को निकाल लोगे। तो बेटा ए मेरे पास कितना आएगा, एक्स वन एम वन प्लस एम टू अपॉन एम टू, ठीक है? बी कितना आएगा, वाई वन एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन, ठीक है ना? और जो मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए थी, इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, इसमें ए की जगह इसकी वैल्यू और बी की जगह बेटा इसकी वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया, एक्स अपॉन में ये पूरी वैल्यू, तो क्या जाएगा एक्स अपॉन में एक्स वन एम वन प्लस एम टू और ऊपर ये एम टू, जो एम टू नीचे था वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ए की जगह डाल रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना? आगे बेटा अगर आपसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से एम वन प्लस एम टू दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो बेटा मैंने नीचे से पूरे में से एम वन प्लस एम टू कॉमन ले लिया और बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, एम टू एक्स अपॉन एम वन प्लस एम वन वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एम टू प्लस एम वन। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ पॉइंट 3 कॉमा -4 डिवाइड द लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 2 इनटू 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? मतलब बेटा इधर मुझसे बोल रहा है कि 3 -1 कॉमा 4 है, लाइन 2:3 में डिवाइड कर रही है, तो बेटा मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है? चाहो तो बेटा आप सॉल्व करने बैठो ऊपर वाले तरीके से, ठीक है? चाहो तो आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को डाल दो, एम टू की जगह 3, एम वन की जगह 2, एक्स वन की जगह 3 और वाई वन की जगह -2 और ये एम वन प्लस एम टू 2+3 आपका सीधा आंसर आ गया, ठीक है ना? नहीं तो बेटा आप इसकी तरह निकालोगे, ए ए कितना दे रखा होगा इसमें, इसे कैसे करोगे, एक्स वन कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे, एक्स वन आपको दे रखा है 3 इज इक्वल टू एम टू कितना दे रखा है बेटा, एम टू आपको दे रखा है 3, एम टू आपने 3 लिया है, तो एक्स वन इज इक्वल टू 3 इंटू ए अपॉन में 3+2, ठीक है? तो बेटा यहाँ से आपका ए निकल जाएगा और ऐसे ही बेटा यहाँ से आपका वो बी निकल जाएगा, वो सॉरी ए निकल जाएगा और बी निकल जाएगा, तो वैल्यू डालोगे तो ही बेटा आपका ये आंसर आएगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए इज बाइसेक्टेड बाय 2.3 देन इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा सिंपल सी बात है, फिर से वही सिमिलर पिछला क्वेश्चन है, 2.3 बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस बार रेशियो क्या है, 1:1, मतलब एम वन भी कितना हो गया 1, एम टू भी कितना हो गया 1, तो मैं क्या बोलूंगा 3x अपॉन m, याद है ना, m2 into x अपॉन x1, तो m2 कितना है 1 into x अपॉन x1 की जगह 2 प्लस 1 into y अपॉन y1 की जगह 3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दैट इज 2। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगली फॉर्म की बात करते हैं। अगली बेटा हमारे पास अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। बेटा नॉर्मल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। रीजन क्या है बेटा, नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, याद होने में भी दिक्कत करती है और एग्जाम में अप्लाई करने में भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है? तो इसलिए बेटा एग्जामिनर नॉर्मल फॉर्म की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है? और बेटा दूसरी बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा नॉर्मल फॉर्म हमारे पास जो होती है
वो हमारे कई सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन मेक अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। बेटा जरा समझना पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है कि किसी लाइन पे, किसी भी लाइन पे अगर ओरिजिन से पड़ने वाली परपेंडिकुलर, किसी भी लाइन पे अगर मैं ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, और उसकी जो लेंथ है वो पी है। उसकी लेंथ क्या है, उसकी बेटा लेंथ क्या दे रखी है आपको, पी दे रखी है। तो बेटा उस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, बेटा उस लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी बेटा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा प्रूफ की बात करें तो बेटा बड़ा लॉलीपॉप प्रूफ है। कैसे बेटा, देखो अगर ये पी है, ये अल्फा है, ठीक है, तो बेटा पी जब इस पे आएगा, पी जब ए पे आएगा तो कितना देगा। अब देखो बेटा यहाँ पे बच्चे कई बार ये गलती करते हैं, जैसे मैंने ये बोला, ये हो गया परपेंडिकुलर 90, ये हो गया पी और ये हो गया अल्फा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा मैं क्या बोलते हैं, इस बच्चे बोलते हैं कि सर ये रहा पी, ये रहा एंगल, तो बेटा इसको बोल देते हैं पी कॉस अल्फा। क्या बोलते थे, पी कॉस अल्फा, ठीक है, जो सर्वदा गलत है। ध्यान रखिएगा बेटा, पी कॉस अल्फा नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा हमारी हाइपोटेनियस टूटती है, जो एच होती है ना बेटा, वो टूटता है बेस के ऊपर। अगर ये अल्फा है तो बेस होता है एक्स एच कॉस अल्फा, और हाइट होती है एच साइन अल्फा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो साइन और कॉस दोनों वन से छोटे होते हैं, और हाइट और परपेंडिकुलर दोनों अपने हाइपोटेनियस से, बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपकी हाइपोटेनियस से छोटे होते हैं। तो जब मैं एच को साइन या कॉस से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एच से छोटी रहती है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो अगर आपने पी को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू इससे छोटी आ गई। अब आप एक बात सोचना कि ये मेरा 90 है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस कभी परपेंडिकुलर से छोटी हो सकती है क्या, या बेस से छोटी हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। हाँ तो ध्यान रखिएगा ये सिली मिस्टेक ना हो जाए, ये सिली मिस्टेक ना हो जाए। तो सर फिर ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, बेटा कॉमन सेंस लगाना। अगर ये मेरी एच होता, अगर ये मेरा एच होता तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता एच कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। तो एच कितना आता बेटा, एच बेटा एक्चुअल मेरे पास पी अपॉन कॉस अल्फा आता। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, एच ये वाला, ठीक है, एच नहीं बी बोल देता हूँ, बेस, बेस बोल देता हूँ ना इसको मैं, बेस बेस बी बी बी। तो बी कितना आता, बी मेरे पास आता बेटा कॉस अल्फा, और ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे कितना देगा, अगर ये मेरा एच है तो यहाँ पे बेटा मुझे मिलता एच साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो एच मेरे पास कितना आता बेटा, पी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई एच अपॉन बी एक्स के, एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन बी मतलब वाई, वाई एक्स इंटरसेप्ट, तो मैं क्या बोलता है एक्स अपॉन पी कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन पी साइन अल्फा इज इक्वल टू वन। अब आपको दिख रहा है ऊपर चला गया बंधु, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये जो कॉस था वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला गया कॉस अल्फा, ये जो साइन था मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला गया साइन अल्फा, ठीक है। और बेटा दोनों में से मैंने पी को अलग से ले जाके यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरे पास पी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। ये आपकी बन गई बेटा किसकी, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, क्या बन गई, नॉर्मल फॉर्म। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग हैविंग डिस्टेंस 0,0 इज इक्वल टू 5। बेटा ओरिजिन से जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 दे रखी है, और एंगल आपको दे रखा है 30। एंगल कितना दे रखा है 30। तो इक्वेशन कितना, इक्वेशन लाइन कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 5। एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग 60 डिग्री विद फॉर पी एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 54√3। फाइंड मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो बेटा एक बात समझना, इस क्वेश्चन में मुझे जो परपेंडिकुलर का जो एंगल है ना, मतलब जो मेरी इक्वेशन होती है परपेंडिकुलर का जो एंगल है, ये एंगल अल्फा दे रखा है, बट बेटा मुझे ये पी नहीं पता।
मुझे ये पी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? एरिया मेरे पास कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बेटा मेरे पास कितना है, ये रहा। अभी हमने देखा था पी अपॉन कॉस थीटा था, हाइट हाइट कितनी थी बेटा मेरे पास? पी अपॉन साइन थीटा। तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 पी अपॉन कॉस 60 इंटू मैं पी अपॉन साइन 60। इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा ये मुझे कितना दे रखा है बेटा, ये मुझे दे रखा है 54√3, 54√3। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया पूरे बंधु का। हाँ जी, तो मुझे क्या मिल गया देखो, मुझे फिफ्टी 54√3। इसका बेटा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसका जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा। देखो मैं इधर से लिख देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 54√3, ठीक है, इंटू टू। सो कॉस 30 कितना होता है बेटा? कॉस 30 बेटा मेरे पास होता है 1/2, और ये हो जाता है बेटा √3/2। होता है न्यूटा, काटे बेटी कर दो, 2 से 2 कट गया, और बेटा इस 2 से बेटा ये कटा आपका 27 टाइम। √3 × √3 कितना आ गया? 3। तो 27 × 3 दैट इज 81। ये कितना आ रहा है? पी स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? पी स्क्वायर। तो बेटा पी मेरे पास कितना आ गया? 9 आ गया। बेटा नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि बेटा पी हमारा डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। तो बेटा आंसर मेरे पास कितना आ गया? आंसर बेटा मेरे पास आ गया एक्स कॉस 60, क्योंकि अल्फा मेरा 60 रखा था ना, तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 60 इज इक्वल टू 9। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन 3x − 4y + 5 इज इक्वल टू 0, कन्वर्ट इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म, कन्वर्ट इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना? तीसरा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे निकालोगे बेटा? हम जानते हैं कि भैया पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट पहला। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलती है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन हम पहले एक बार लिख लेते हैं अलग से। इक्वेशन क्या थी मेरे पास? इक्वेशन दे रखी है बेटा मुझे यहाँ पे 3x − 4y + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो आपको याद हो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी बेटा मेरे पास? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो वाई एक तरफ, तो बेटा मेरे पास आ गया 4y इज इक्वल टू 3x + 5, ठीक है। अगला काम 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड होते इधर 1 आ गया, इधर 3 आ गया, 4 आ गया और इधर 4 आ गया। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ बेटा, ये आ गई मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 3/4 क्या देगा? क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है। और 5/4 क्या दे रहा है बेटा? आपका एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रहा है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा देखते हैं बेटा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, एक्स वाई एक साथ। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? मेरे पास आएगा 3x − 4y इज इक्वल टू −5, ठीक है। अगला काम क्या था बेटा? −5 का डिवाइड कर दो, तो बेटा मुझे क्या मिल गया? 3x − 5, ठीक है ना? माइनस में 4y − 5, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये भी नीचे जाएगा, कोफिशेंट मेरा 1 रहना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? x − 5/3 प्लस में y − 5/4। तो ये कट के क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। तो सीधे लिख देता हूँ 5/4, 5/4 इज इक्वल टू 1। तो इसकी क्वेश्चन लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो इसका मतलब y का इंटरसेप्ट तो बेटा 5/4 मतलब पॉजिटिव, और x का इंटरसेप्ट −3/4 मतलब नेगेटिव इधर होगा। तो लाइन कैसे बनेगी कुछ बेटा? लाइन हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना? ये कोऑर्डिनेट 0, 5/4, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट −5/3, टीसी फॉर्म क्या दे रखी है बेटा? नॉर्मल फॉर्म। क्या दे रखी है बेटा? नॉर्मल फॉर्म हमें दे रखी है, ठीक है। हाँ बेटा देखो, कभी भी अगर आपको नॉर्मल फॉर्म को निकालना है, कभी भी अगर आपको नॉर्मल फॉर्म को निकालना है तो आप क्या करो, सबसे पहले दोनों आर्ग्यूमेंट का डिवाइड कर दो। आपके पास नॉर्मल फॉर्म निकालने का, कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो मेरे पास ax + by + c = 0 जो इक्वेशन दे रखी है, तो पहली बात तो कांस्टेंट को अपना = 0 के इस तरफ रखो, c को इस तरफ रखो, ठीक है ना? पहला काम तो उसको इस तरफ लेके जाओ, पहला काम c को इस तरफ लेके जाओ, ठीक है। अगर इस तरफ है तो इस तरफ ले जाओ, इस तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू के एक तरफ होना चाहिए और वेरिएबल सारे एक तरफ होने चाहिए। अगला काम क्या करो बेटा? अगला काम ये करो बेटा, पूरे फंक्शन का जो आपके एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उनके होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो।
कर दो, उनके होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ये मेरा हो जाएगा कॉस अल्फा, ये मेरा हो जाएगा साइन अल्फा, और बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो देखिए इधर मेरे पास क्या तरीका है, 3 - 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है ना? हाँ बेटा एक बात और याद रखना इसके अंदर, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे जो सी आता है ना, ये सी को इधर इधर की वैल्यू पॉजिटिव रखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था 3x - 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो बेटा जब मैं 5 को उधर लेके जाऊंगा तो 5 मेरा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, बट बेटा हमने पहले भी आपसे कहा था पी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो बेटा आपको नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, पहले कैसे हटेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा 3 की जगह -3x प्लस -4 की जगह +4x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगला काम इनके स्क्वायर स्क्वायर निकालना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना होगा, अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 5। अब पूरे का 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, -3/-3/5x प्लस 4/5x इज इक्वल टू। क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये क्या हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये मेरा साइन अल्फा और ये मेरा कॉस अल्फा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा अगली हेडिंग की बात करते हैं। बेटा अगली हेडिंग है बेटा आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो मैंने पहले ही इसमें तो ट्रिपल स्टार कर रखा है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब बेटा देखो, जहां पे भी जिधर भी मैं बात करूंगा, क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर अटकाना चाहता है तो बेटा इन सभी फॉर्म में से जो सबसे अटकाने वाली फॉर्म होती है बेटा, वो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है ना सर? क्यों होती है? क्योंकि बेटा पैरामेट्रिक जो फॉर्म है, मैं आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि एकमात्र फॉर्म है जो 3 पैरामीटर में खेलती है। ठीक है सर? 3 पैरामीटर से मतलब, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस इक्वेशन में आपके पास x1 y1 मतलब एक पॉइंट और दो पॉइंट हुआ करते थे, x1 y1 और x2 y2, या फिर तो दो पॉइंट हुआ करते थे, या फिर स्लोप और एक पॉइंट हुआ करता था। याद है सभी को? नहीं है? स्लोप और एक पॉइंट हुआ करता था। ठीक है ना? बट बेटा जब आप पैरामेट्रिक पॉइंट के अंदर जाओगे तो बेटा आपको यहाँ पे देखो, अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन होती है पैरामेट्रिक फॉर्म की, ये इक्वेशन होती है x - x1 / cos alpha इज इक्वल टू y - y1 / sin alpha इज इक्वल टू r। तो कितने पैरामीटर हुए देखो, x1 y1 एक पैरामीटर, दूसरा cos alpha sin alpha दूसरा पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर क्या हो गया, एंगल alpha, क्या हो गया, एंगल alpha, तीसरा पैरामीटर क्या हो गया, r। क्या मेरी बात समझ में नहीं है? इसलिए बेटा इस इक्वेशन के हमारे पास इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना? और दूसरी बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस कहाँ पे बहुत ज्यादा होती है बेटा, हमारे कोई भी अगर स्टैंडर्ड फिगर है, कोई भी हमारा अगर स्टैंडर्ड फिगर है बेटा, वहां पे बेटा इस क्वेश्चन इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, पहले समझाता हूँ फिर आपके समझ में आएगा। ठीक है ना? जरा समझिएगा कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन से फिक्स दूरी पे कोई पॉइंट निकालना है। ठीक है, मान लो आपका ये वाला पॉइंट x1, y1 है, x1, y1 है, और बेटा ये वाला पॉइंट बेटा आपके पास x, y है। क्या है बेटा? x, y है। ठीक है, और ये दूरी बेटा आपको दे रखी है r, कितनी दे रखी है r। ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे और ये जो एंगल है इस लाइन का, वो बेटा मुझे स्लोप दे रखा है अल्फा। क्या दे रखा है? अल्फा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मेरे पास रिलेशन क्या होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो देखो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी y - y1, क्योंकि अगर आप अगर ये मेरे पास कितना था बेटा, ये मेरा था x1, y1, ये क्या था, फिगर अलग से बना देता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो। मेरा अल्फा एंगल है, मैंने एक पॉइंट लिया है x1, y1, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है x, y, ठीक है, और बेटा जो ये दूरी है बेटा वो मुझे दे रखी है r, कितनी दे रखी है r। तो ये अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये एंगल भी पहली बात तो अल्फा होगा। ठीक है ना? अच्छा, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी बेटा, देखो टोटल दूरी अगर मैं देखूँ तो टोटल बेटा मेरी दूरी होगी x, और ये दूरी कितनी होगी मेरे पास, x1 होगी। तो ये दूरी कितनी आ गई, x - x1, तो ये दूरी कितनी आएगी बेटा, x - x1।
ठीक है, इधर में बात करो तो ये कितना होगा वाई वन, ये कितना होगा वाई, तो दूरी कितनी आ गई बेटा, दूरी बेटा मेरे पास आ गई वाई माइनस वाई वन, तो बेटा ये दूरी कितनी आ गई बेटा मेरे पास वाई माइनस वाई वन। ठीक है, तो अब साइन अल्फा कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन आर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो बेटा ये कितना हो गया साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन आर, और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा हो जाएगा बेटा मेरे पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन आर, होगा नहीं होगा। तो बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन आर, ठीक है, तो बेटा मेरे पास आर मुझे क्या मिलेगा वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन अल्फा मिलेगा, और इधर अगर कॉस अल्फा मैं बोलता तो क्या होता बेटा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन आर, तो बेटा यहाँ से मुझे आर क्या मिलता बेटा, यहाँ से मुझे आर मिलता एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस अल्फा, मिलता नहीं मिलता। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को रिलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू में आर, ये मेरे पास क्या आ गई पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया सर, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हो सर आप इसे? क्योंकि बेटा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन पे इस लाइन पे पढ़ने वाले, इस लाइन पे पढ़ने वाले किसी भी पॉइंट की इक्वेशन को अज्यूम कर सकता हूँ, इस लाइन पे पढ़ने वाले किसी भी पॉइंट की इक्वेशन को अज्यूम कर सकता हूँ। सर कैसे कर सकता हूँ बेटा, जरा सोचना, जब मैं इन दोनों को लूंगा, इसको और इसको, तो बेटा मुझे एक्स कितना मिलेगा, देखो एक्स बेटा मुझे मिल जाएगा एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा मिलेगा, ये कॉस का पहले मल्टीप्लाई तो आर कॉस थीटा, एक्स वन उधर भागा तो बेटा मुझे क्या मिल गया एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, और वाई के मिल जाएगा बेटा वाई वन बेटा मुझे मिल जाएगा वाई वन प्लस आर साइन थीटा। क्या सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे देखो दो 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 तीन चीज जिसकी साइंस आ रहा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहली बात तो एक फिक्स पॉइंट है, क्या है फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दूसरा बेटा मेरे पास क्या है फिक्स डिस्टेंस है, क्या है बेटा फिक्स डिस्टेंस है। सर फिक्स पॉइंट क्या था एक्स वन कॉमा वाई वन, सर फिक्स डिस्टेंस क्या थी आर, ठीक है, तीसरा क्या है बेटा फिक्स स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या होगा बेटा आपके पास अल्फा या थीटा कुछ ही बोल दो, ठीक है ना। तो बेटा आपके यहाँ पे तीन चीज काम की है, तो बेटा पहली बात तो इसका यूज कहाँ होता है बेटा, बेटा जितने भी आपके स्टैंडर्ड फिगर होते हैं, जितने भी आपके स्टैंडर्ड फिगर होते हैं बेटा, वहां पे हमारी पैरामीटर की क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम की होती है। क्यों काम की होती है? क्योंकि बेटा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फिगर का नाम बोल के भाग जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, बाकी आपकी मर्जी कैसे निकालो आपकी टेंशन, उसे कोई मतलब नहीं है कि आपको कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। सर मतलब सिंपल सी बात है, एग्जामिनर बोल देगा कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या बोल देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस बोल के भाग जाएगा। अब आप एक बात सोचो कि जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सरकम सेंटर इन सेंटर वो सब एक ही पॉइंट पे पड़ते हैं, पड़ते नहीं पड़ते, और एक ही लाइन होती है, इसका मतलब जो ये लाइन खींचूंगा ये इसको 2:1 में काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी, जो आपका सरकम सेंटर होगा इन सेंटर होगा वो 2:1 में काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी। अच्छा ये टोटल लेंथ कितनी होती है? टोटल लेंथ बेटा मैं जानता हूँ ये √3/2 होती है, ये कितनी होती है, ये बेटा हमारे पास होती है √3/2, √3/2 होती है, नहीं होती तो क्या ये चीज निकल सकता है ये वाला हिस्सा? सर ये इतनी दूरी कितनी कैसे निकलेगी, इतनी दूरी कैसे निकलेगी बेटा, देख टोटल तीन हिस्से के 3x की वैल्यू बेटा मुझे याद रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास a अपॉन √2/√3 होगा, a अपॉन √2/√3, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी a अपॉन √2/√3 होगी, ठीक है, और ऊपर वाला कितना है 2x है, नीचे वाला x, ऊपर वाला 2x, तो इंटू टू कर दो, इंटू टू करते 2 से 2 कट गया, तो बेटा मेरे पास आ गया a अपॉन √2/√3, ठीक है। अब आपको दूरी पता है तो देखो क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा दूरी अगर आपको पता है और अगर आपको ये वाले पॉइंट पता है तो आपको इसका स्लोप भी पता है, ठीक है, आपको ये फिक्स पॉइंट भी पता है,
अब उसने क्या बोला, उसने बेटा आपको सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला कि भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब आपको बाकी पूरी राम कथा खुद दिमाग लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जितने भी स्टैंडर्ड फिगर होते हैं उन सभी के अंदर कोई ना कोई आपको पॉइंट ऐसा मिलता है जो कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जिसका अपना पर्टिकुलर स्लोप होता है। जैसे मैं बोलता हूँ रोमबस, रोमबस में हम जानते हैं रोमबस में जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है आपका, वो वाला पॉइंट क्या होता है, पहली बात तो वो पॉइंट पे दोनों बाइसेक्ट करती हैं, पहली बात तो ये क्या होता है, ये पॉइंट मेरा बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितनी दूरी ये जितनी दूरी ये दोनों दूरी बराबर, और दूसरा 90 होता है, दूसरा क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो आपको उसने एक तरह से एंगल भी दे दिया और दोनों की डिस्टेंस भी दे दी, क्या आपको समझ में आ नहीं आया? तो बेटा एग्जामिनर क्या करेगा, फिगर का नाम दे के भाग जाएगा। अब आप खुद सोचो कि एग्जामिनर को मुझे किस तरह से किस एंगल को किस उसमें रिलेट करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे आपके काम आती है कौन सी, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था पॉइंट्स, क्या पढ़ा था पॉइंट्स, ठीक है ना। अच्छा इधर एक बेटा आप याद रखिएगा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, आर की वैल्यू। देखो अगर मैं सिंपल सी ये लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं ऊपर गया तो आर पॉजिटिव, और अगर मैं नीचे गया तो आर नेगेटिव, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझाती है, सीधे लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर के थ्रू समझ में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले दो तीन क्वेश्चन तो काफी इजी इजी हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े मजेदार आने स्टार्ट होंगे, जब आपके फिगर्स बनेंगे, देखो ये वाले फिगर्स बनेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन आपके इजी आने स्टार्ट होंगे मजेदार। क्लियर? पहला क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, फाइंड इफ इफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 मेक एंगल 45 एंगल विद एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट अनदर लाइन 2x plus y minus 7 is equal to 0 at point Q, find Q and AQ, find Q and AQ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, एक लाइन है जो 1, 2 से पास कर रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है x एक्सिस से, और दूसरी लाइन को कट कर रही है, इंटरसेप्ट अनदर लाइन, दूसरी लाइन क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है 2x plus y minus 7 is equal to 0 एट पॉइंट क्यू, आपको क्यू पॉइंट निकालना है, पहली बात तो इसकी इक्वेशन पता है आपको, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसकी इक्वेशन निकाल लो ना, एक तरीका तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो, कैसे निकालूंगा, देखो मुझे पॉइंट दे रखा है y माइनस 2 इज इक्वल टू m, कितना दे रखा है 45, बट tan 45 कितना आ गया 1, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, इज इट क्लियर टू ऑल। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से बेटा मुझे मिल गया x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, क्लियर, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों लाइन का इंटरसेप्ट निकालू दोनों का, ठीक है, दोनों को सॉल्व किया बेटा मेरा x आ गया 2 और y आ गया 3, ठीक है, दोनों के अब डिस्टेंस निकल जाएगी, तो कैसे निकालूंगा बेटा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज रूट 2, दैट इज रूट 2, क्या सभी को समझ में नहीं आया, ये तरीका था बेसिक तरीका, ठीक है। अब अभी जो हमने पढ़ा है उससे कैसे निकालेंगे, उससे कैसे निकालेंगे जरा उसको भी समझो बेटा। देखो मेरे पास पॉइंट क्या था 1, 2, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको कई बार कुछ चीज अननोन दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है आपको, कई बार कुछ चीज अननोन दे रखी होती है, तीन में से बेटा कॉमनली जो आपको तीन चीज मैंने बोली थी, तीन में से बेटा कॉमनली वो दो चीज आपको पकड़ाएगा, तीसरी चीज आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, फिक्स पॉइंट पकड़ा रहा है, एंगल पकड़ा रहा है, दूरी नहीं पकड़ा, तो बेटा दूरी पहले आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। सर कैसे ढूंढूंगा, बेटा देखो इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होंगे इस लाइन पे वो पॉइंट क्या होंगे बेटा, हम जानते हैं x प्लस x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा दैट इज 1 प्लस r cos 45, तो बेटा ये मुझे क्या मिल गया 1 प्लस r अपॉन रूट 2, ठीक है। y कितना मिल जाएगा बेटा 2 प्लस r sin थीटा दैट इज 2 प्लस r अपॉन रूट 2, रूट 2 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बेटा ये वाला जो पॉइंट है एग्जामिनर बोल रहा है जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो बेटा जो आपने ये वाला पॉइंट निकाला ये कहां से निकाला, ये बेटा इस पॉइंट की रेफरेंस से निकाला, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में डाल दो, क्योंकि अगर ये इस लाइन में भी सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकल जाएगा, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, तो बेटा इसको मैं उठा के इस लाइन में डाल दूंगा, तो x की जगह 1 प्लस r अपॉन रूट 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस r अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 7, पूरा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। r कितना आ जाएगा बेटा रूट 2, r रूट 2 आ गया, अब इक्वेशन में रूट 2 डाल दो r की जगह, तो x की वैल्यू 1 प्लस r इंटू 1 अपॉन रूट 2 था, तो 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 दैट इज 2, और y के लिए 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 दैट इज 3, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ।
अब बेटा देखो, बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन अगर दिखता है तो फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी लगता है कि सर ये वाला बेटर है तो ये यूज करो, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये पहला वाला क्वेश्चन पहले तरीके से इजी था, सेकंड मेथड हमारा लेंदी था। बट बेटा ध्यान रखिएगा, कई सारे अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पे कोई और तरीका लगेगा ही नहीं, आखिरी रास्ता आपका यही मेथड होगा। क्लियर हुआ? नहीं तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था सिर्फ समझाने के लिए, ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन था सिर्फ समझाने के लिए कि कैसा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए 2,0, अब बी आपको दे रखा है 4,2, इफ ए बी इज रोटेट बाय एंगल 15 डिग्री अबाउट ए, फाइंड बी डैश एंड न्यू लाइन ऑफ ए बी डैश एंड न्यू लाइन ऑफ ए बी डैश, ठीक है ना। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई आपने आपने इस पॉइंट को, जो आपकी लाइन जो जा रही थी, ए ए पॉइंट दे रखा है 2,0, बी पॉइंट दे रखा है 4,3, ठीक है। उसने बेटा इसको 15 डिग्री से रोटेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? 15 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पहुंच गई। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। अब बेटा एग्जामिनर आपसे ये बी वाला पॉइंट निकलवाने की कह रहा है, ये बी वाला पॉइंट निकलवाने की कह रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो हमने सेम क्वेश्चन पहले किया था, उसको उस केस में बेटा हमने ये इक्वेशन की लाइन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी, बी वाला पॉइंट नहीं निकाला था, ठीक है। तो ये बी पॉइंट कैसे निकलेगा? तो बेटा एक बात समझना, अगर आपको याद हो तो ये एंगल 15 45 था और ये एंगल 15 था, क्लियर। तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटा? टोटल एंगल बेटा मेरे पास हो गया 60, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब बेटा आपको एंगल पता है, आपको फिक्स पॉइंट पता है, अगर बेटा आपने आर निकाल लिया तो क्या बी निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो बेटा एक बात सोचना कि जब आप किसी भी लाइन को रोटेट करते हो तो क्या उसका मेजरमेंट बदलता है? जो इनिशियली, अगर मैं आपको ए पॉइंट बोलता हूं, ये मेरा ए था, तो जो इनिशियली मेजरमेंट ए बी का था, रोटेट करने के बाद भी मेजरमेंट वही रहेगा ना। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ। तो ए बी आपके पास कितनी है बेटा? 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 2√2। इसका मतलब बेटा ये दूरी अभी भी 2√2 ही रहेगी। क्या रहेगी? 2√2 ही रहेगी। तो आर कितना आ गया? 2√2, ठीक है। X1 कितना आ गया? 2,0, X1 Y1, और एंगल अल्फा कितना आ गया बेटा? अल्फा बेटा मेरे पास अब आ चुका है 60 डिग्री। कितना आ चुका है? 60 डिग्री। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा अगर ये X, Y है? तो X कितना आ जाएगा बेटा? X मेरा आ जाएगा X1 प्लस R cos थीटा, दैट इज X1 की जगह 2 प्लस R की जगह 2√2 cos 60, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से मुझे कितना मिल गया बेटा? cos 60 कितना होता है? 1/2। तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया 2 प्लस 2√2, ठीक है। और y कितना मिल जाएगा बेटा? y मिल जाएगा 0 प्लस 2√2 sin 60, ठीक है। और ये कितना होता है बेटा? √3/2, तो बेटा ये आ गया मेरे पास √6। तो बेटा कोऑर्डिनेट बेटा मेरे पास कितने आ गए बेटा? मेरे पास आ गए 3√2, √5, √6। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? 3√2, √6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ टू एंड पॉइंट ऑफ ए डायगनल ऑफ ए स्क्वायर इज 1,2 एंड 5,4, देन फाइंड रेस्ट टू पॉइंट। अब बेटा एक बात समझिएगा, इधर पहले मैं इधर की बात कर लेता हूं। अब बेटा देखो, ये जो पॉइंट निकालना था ना आपको, इससे कितना इजीली निकल गया। अब इस बी पॉइंट को निकालने के लिए आपके पास बाकी कोई और इक्वेशन काम नहीं आने वाली। क्या मेरी बात समझ में आई? आपने इससे पहले जो भी इक्वेशन पढ़ी है, कोई भी इसमें काम आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जहां पे पैरामेट्रिक यूज होती है ना, वहां पे सिर्फ वही यूज होगी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक स्क्वायर की डायगनल दे रखी है 1,2 और 5,4, ठीक है। तो हम बना देते हैं एक बार फिगर 1,2 और 5,4 मान लो मैंने फिगर इस तरह कुछ बना दिया, स्क्वायर का फिगर है। पहली बात तो परफेक्ट कहीं मत बनाना, ये स्क्वायर फिगर हो गया, लीजिए भैया। ठीक है, और मान लो बेटा ये रही मेरी डायगनल, ये क्या दे रखा है? 1,2 एंड 5,4 5,4। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि पैरामीटर की सबसे खास बात ये होती है, फिगर देके छोड़ के भाग जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा भाई, कुछ नहीं बोलेगा। अब आप ये बताओ,
आपको ये दोनों पॉइंट निकालने, कौन सी क्वेश्चन बता देगी? कोई नहीं बताने वाली, ठीक है ना। हाँ तो हम क्या करें, तो हम क्या करें, तो बेटा देखो बाकी तरीके जो बाकी तरीके ना एक्चुअल में बाकी जो क्वेश्चन है उससे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी तरीके से बेटा मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। बट बेटा वो सारे मेथड बहुत ज्यादा आपके लेंदी जाएंगे, क्या जाएंगे बेटा, बहुत ज्यादा लेंदी जाएंगे। बट इस अप्रोच से, इस जो आपकी करंट अप्रोच है पैरामेट्रिक से बेटा ये काफी इजीली हो जाएगा। सर कैसे होगा, कैसे होगा, जरा बेटा एक बात सोचना कि जो मेरे पास स्क्वायर होता है, ये जो दूसरी डायगोनल बनेगी, मैंने कहा ना कि हर एक स्टैंडर्ड फिगर के अंदर एक मिड पॉइंट होता है डायगोनल का। मिड पॉइंट होता है नहीं होता, अगर आपको याद हो तो चारों फिगर में जो हमने सबसे पहले बात की थी वो मिड पॉइंट की थी, डायगोनल का मिड पॉइंट, याद आया? आपने जो कंडीशन चेक की थी तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक की थी कि अगर डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है तो स्टैंडर्ड चारों फिगर में से कोई एक बात, एक की बात करेंगे। तो वो जो मिड पॉइंट है ना बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म का दामोदर उस पॉइंट से लगा रहता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा बेटा, कितना निकलेगा, 3 + 1/2 दैट इज 3, और 4 + 2/2 दैट इज 3। तो बेटा ये पॉइंट बेटा मेरे पास निकल गया 3.3 निकलेगा। अच्छा बेटा ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, ये दूरी तो देख लेते हैं, 3 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, और 3 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। तो अंडर रूट में बोल दूं, 4 + 1 दैट इज √5, होगा नहीं होगा? इसका मतलब सर ये √5 हो गया, ये भी √5 हो गया, और ये भी √5 हो गया, और ये भी √5 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो सभी सभी √5 होंगे। अब बेटा एक बात देखो, क्या फिक्स पॉइंट पता है आपको, ठीक है, क्या आपका आर पॉइंट निकल गया? मैंने कहा ना आर फिक्स पॉइंट और थीटा, आर पी और एल्फा, आर पता है पी पता है सर, एल्फा नहीं पता। एल्फा कैसे निकालू बेटा, कॉमन सेंस लगाना, क्या इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, इस डायगनल का कितना आएगा? इसका बेटा एम अगर मैं निकालता हूं, इसका एम आने वाला है 4 - 2 / 5 - 1, ठीक है। 4 - 2, 4 - 2 / 2 - 5, 1 / x2 - x1 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा बेटा, इसका स्लोप आ जाएगा -2। क्या सभी को समझ में आया, स्लोप कितना जाएगा -2, क्यों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सर -2 होने से मतलब, तो चलो एक बार बात कर लेते हैं, -2 होने से मतलब पहली बात जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सर इसे कैसे निकालूं, तो देखो इसकी मैं अगर बात करता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, सीधे अगर आपको याद हो फॉर्मूला क्या होता था बेटा, फॉर्मूला हुआ करता था x1 + r cos थीटा, याद है, x1 + r cos थीटा। तो x1 मेरे पास क्या है, 3। अब बेटा r क्या होगा बेटा, यहाँ पे r बेटा मेरे पास ये वाला बेटा -15 होगा, याद है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू, नीचे क्या था r नेगेटिव, ऊपर क्या था r मेरा पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, माइनस में √5 cos थीटा, क्या समझ में आया? और y कितना हो जाएगा, 3 y कोऑर्डिनेट y1 माइनस में √5 sin थीटा, क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x1 की जगह 3, r की जगह +√5, तो x1 + r cos थीटा दैट इज r√5 cos थीटा होगा। और क्या हो जाएगा बेटा, 3 + √5 sin थीटा, क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? मैंने क्या बोला, एक बार वापस रिपीट करता हूँ बेटा, एक बार समझना कि अगर मान लो ये मेरा पॉइंट मुझे दे रखा है 3, ये मान लो मैं ले लेता हूँ 2, 3, ठीक है। ये बेटा दूरी बेटा मुझे दे रखी है, मान लो ये दूरी बेटा मुझे दे रखी है, मान लो कितना लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा इतनी दूरी पे जो एक पॉइंट होगा ना ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी पहला एक्स कोऑर्डिनेट x1, y1, तो हमारे पास था x1 + r cos थीटा, तो x1 की जगह 2, r की जगह 4 और cos थीटा हो गया। अच्छा y की जगह क्या होगा बेटा, तो y की जगह बेटा मेरे पास हो जाएगा y1 दैट इज 3, और r कितना हो गया +4 sin थीटा, होगा नहीं होगा? और बेटा अगर मान लो यही पॉइंट मेरा नीचे की तरफ होता, कहाँ होता, नीचे की तरफ यहाँ पे, और मान लो ये दूरी बेटा मेरी 4 होती, तो इस तरफ मैं पॉइंट क्या देता, x1 की जगह 2, x1 की जगह 2,
और आर की जगह बेटा क्या होता है बेटा मेरे पास, आर की जगह बेटा मेरे पास होता है -4, क्योंकि मैंने कहा था नीचे मैं नेगेटिव लूंगा, याद आया, नीचे मैं नेगेटिव लूंगा ऊपर मैं पॉजिटिव लूंगा, याद आया। तो यहाँ पे क्या जाएगा -4 cos थीटा, और y की जगह 3 -4 sin थीटा। क्या सभी को समझ में आया? तो बेटा सेम मैंने इसमें किया है, मेरा फिक्स पॉइंट 3 है, 3.3, और r बेटा मेरे पास क्या है √5 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था x1 plus r cos थीटा, तो x1 कितना है बेटा 3, r क्या है √5, cos थीटा मैंने एज़ इट इज़ लिख दिया। अच्छा इधर क्या आना चाहिए था बेटा, इधर आना चाहिए था x1 plus r cos थीटा, x1 कितना है 3, r कितना है बेटा, r बेटा नीचे जा रहा है नीचे, अगर आपको याद हो तो नीचे में लिया था नेगेटिव, ऊपर लिया था पॉजिटिव, याद है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो बेटा ये r कितना हो गया बेटा मेरे पास -√5, किसका -√5 cos थीटा, और ये हो गया r -√5 sin थीटा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? अब बेटा काम की बात कि सर cos थीटा sin थीटा कहां से लेके आऊं, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप ही था वैसे मैंने आपको ये चीज समझाई है, नहीं तो मैं क्या करता साइन थीटा कॉस थीटा पहले ही निकाल के वैल्यू डाल देता, साइन थीटा कॉस थीटा पहले से ही निकाल के सीधे मैं क्वेश्चन में वैल्यू ही डालता, ठीक है। बट हमने अलग निकाला तो बात कर लेता, ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था, ये मेरा पॉइंट सी था, और बेटा ये मेरा पॉइंट डी था, ठीक है। तो बी पॉइंट बेटा मेरे पास कितना आ रहा है, बी पॉइंट बेटा मेरे पास पहले कॉस थीटा सेंटर की बात कर लेते हैं, टेन थीटा बेटा मुझे कितना दे रखा है, टेन थीटा बेटा मुझे दे रखा है, टेन थीटा बेटा मुझे दे रखा है कितना, -2 दे रखा है, देखो -2/3 कोऑर्डिनेट बेटा बेटा मैंने यहाँ पे ये 5.4 की जगह 5.8 लिया है, तो आप भी 5.8 से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब आम में आपको पीडीएफ देखोगे तो इसको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो 5.8 लेके सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास स्लोप इसका आ गया कितना आ गया 5.8, तो 8 -2 6 होता है, 8 -2 6 होता है, तो ये आ गया 6/2 दैट इज 3/2, 6/4 दैट इज 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -2/3, ठीक है। तो ये आ गया -2/3, तो ट्रायंगल बना लूं, ठीक है। ये दूरी 2, ये दूरी 3, तो बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा √a² + b² दैट इज √a² का मतलब 4, b² का मतलब 3, इसका मतलब बेटा 4 + 9 ये हो गया बेटा √13, कितना हो गया √13। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा बेटा हो जाएगा 2/√13, ठीक है। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा -2/√13। सर कॉस नेगेटिव क्यों बेटा, अगर आपको याद हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा मेरा कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूँ तो डी पॉइंट बेटा मेरे पास क्या था, देखो साइन कॉस निकल चुका है मेरे पास, ठीक है ना। अब बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, बी पॉइंट मुझे कितना रखा था, बी बेटा मेरे दे रखा था 3 माइनस में √5 कॉस थीटा, कॉमा में 3 माइनस में √5 साइन थीटा, यही तो था। तो कॉस की जगह ये रहा, बेटा मेरे पास बी पॉइंट कितना आ गया 3 माइनस में √5 कॉस की जगह -2/√13, कॉमा 3 माइनस में √5 इंटू 2 कॉस क्या था 3 था, तो ये 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, ठीक है। √13 तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास बेटा एक्चुअल में आ गया बी, फिर मेरे पास 3 + 2 रूट के अंदर 5/13 कॉमा 3 - 2 रूट के अंदर 5/√13। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये मेरा निकल गया बी कोऑर्डिनेट, क्या डी भी निकल जाएगा। सभी क्या करना है आपको, वापस इसको प्लस रखना है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका डी, ये प्लस निकलेगा तो ये माइनस निकलेगा, क्लियर सभी को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, डी पॉइंट बेटा आपका होमवर्क है, आपको खुद निकालना है, ठीक है। और हेल्प चाहिए तो बेटा इससे मैंने पूरा निकाल रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा मजेदार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ ए लाइन x/3 + y/4 = 1 कट xy एक्सिस एट ए एंड बी
रेस्पेक्टिवली इफ ए बी इज ए साइड ऑफ ए स्क्वायर देन फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस एट फ्रॉम ऑरिजिन। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ एट द स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है, उस स्क्वायर का ऑरिजिन से जो मैक्सिमम दूरी होगी ना, चारों पॉइंट में से जो आपकी मैक्सिमम दूरी पे है, आपको वो वाला पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है आपको? वो वाला पॉइंट निकालना है जिसके चारों वर्टिसेस से मैक्सिमम दूरी पे हमारी कौन सी वर्टिसेस लाई करेगी। बेटा देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, देखो पहली बात तो फिगर को समझो, फिगर आपको कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा ये बेटा कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा। अब बेटा आपसे बोला हुआ है कि भैया आपके जो ये लाइन है ना, ये आपके स्क्वायर की एक लाइन है, ठीक है। तो पहली बात तो एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई फोर, मतलब ये आपका 3.0, ये आपका 4.0.4 होगा, नहीं होगा तो बेटा ये दूरी कितनी होगी? 5। इसका मतलब बेटा ये दूरी भी 5 और ये दूरी भी 5, ठीक है ना। आपको ये दोनों पॉइंट ही निकालने हैं। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब देखो बेटा आपको फिक्स पॉइंट पता है, फिक्स पॉइंट आपको दोनों को पता है, आपको दूरी भी पता है 5, ठीक है। अगर बेटा आपने ये एंगल निकाल लिया तो ये एंगल भी निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है। अब सर ये एंगल कैसे निकलेगा? बेटा कॉमन सेंस लगाना कि भाई ये एंगल कितना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3, ठीक है ना। अच्छा तो ये एंगल निकल जाए, अच्छा ये एंगल कितना होगा? 90। अच्छा एक तरह से अलग देखते हैं, ये 90 होगा। सेकंड अप्रोच और लगाता हूँ बजाय ये निकालने के, अलग तरीके से निकाल लेते हैं, अलग तरीके से निकाल लेते हैं। ये पूरा मेरा 90, ये पूरा मेरा 90, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो इस एंगल को अल्फा बोलूं तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा? नहीं होगा सर। अल्फा कैसे? ये एक्चुअल में 90 माइनस थीटा होना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये मेरा 90, टोटल बेटा मेरा 180 है, 180 में से 90 गया कितना बचा? 90 बचा। अब 90 में से थीटा गया तो अल्फा कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मतलब ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसका मैं दोनों को अल्फा बोल दूं मैं? क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? नहीं आई कि दोनों ही मेरे 90 डिग्री माइनस थीटा है, क्या मैं दोनों को अल्फा बोल सकता हूं? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हाँ, तो बेटा अगर देखो मुझे अगर इस पॉइंट को निकालते, तो ये पॉइंट कितना निकलेगा बेटा? ये पॉइंट निकलेगा 3+, ये 3+, क्योंकि पहला इधर है तो प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा अगर आपको याद हो तो। मैं इसको बोलूंगा बेटा 3+5 cos थीटा, cos अल्फा। क्या बोलूंगा? 3+5 cos अल्फा। सर अब अल्फा कहां से निकालूं? सर अल्फा कहां से निकालूं बेटा? अल्फा मेरा ये रहा। तो अब आप ये बताओ इस ट्राइंगल के अंदर मुझे अगर cos अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या हो जाएगा? 5/4/5, ये तो होगा cos अल्फा 4/5। अगर ये वाला मेरा अल्फा है तो मैं क्या बोलूंगा? 3+5 × 4/5। क्या समझ में आया? नहीं आया? 3+5 × 4/5 दैट इज 7, ठीक है। और y कितना हो जाएगा? 0+3 × sin अल्फा, sin अल्फा कितना होगा? sin अल्फा बेटा 3/5 होगा, नहीं होगा? इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये हो जाएगा 3/5। तो बेटा यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? ये हो गया अल्फा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है। तो बेटा ये आ गया 3/5, तो ये कितना निकल गया? 7.3। मतलब डी पॉइंट कितना निकल गया बेटा मेरे पास? डी पॉइंट निकल गया 7.3। ऐसे सी पॉइंट निकाल लोगे, सी पॉइंट के ये पी पॉइंट निकालोगे, पी पॉइंट मैंने जो लिया है पी क्यू लिया है, सी पॉइंट पी क्यू लिया है। अगर पी क्यू की बात करो तो बेटा बड़ा इजी है, एक्स के लिए 0+0+4 × 4/5। सर जीरो जीरो क्यों? इनिशियल पॉइंट बेटा जीरो हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया? 4। और क्यू के लिए 4+3 × 3/5, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 4+cos अल्फा और नीचे वाला सॉरी 5+cos अल्फा नीचे वाला 5 × sin अल्फा, अगर याद हो तो ये होगा x1+r cos अल्फा, r की जगह 5, cos अल्फा की जगह 4/3 और x1 की जगह 0, ठीक है। q में y1 की जगह 4, r की जगह 5 और sin अल्फा की जगह 3/4। तो बेटा ये मुझे दे गया 4.7। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दोनों को निकाल लो, चेक कर लीजिए, ओडी और ओसी निकाल लीजिए। ओडी कितनी आएगी? √53। ओसी कितनी आएगी? √65। तो बेटा बेटर कौन सा? ओडी ये 16 है, ध्यान रखिएगा 16 है ये,
ठीक है, तो बेटर कौन सा बेटा, सी वाला। तो मैं आंसर क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट सी कौन सा हो जाएगा बेटा, 4.7। क्या सभी को क्लियर हुआ? अरे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसमें मैं बोलूँ तो इस टॉपिक के लिए ये सब कुछ सिखा देता है आपको। ठीक है, आपको बोल रखा है टू वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑन द लाइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ऑर्थो सेंटर इज एट 0.0, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड थर्ड वर्टेक्स। बेटा क्लासिक क्वेश्चन है, जरा समझना। देखो एग्जामिनर आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि आपको एक लाइन दे रखी है कुछ इस तरह से, ठीक है हाँ, और ये कहाँ पे कट करिए बेटा इसको, ये लाइन बेटा मुझे दे रखी है, ये लाइन बेटा मुझे दे रखी है एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहली बात तो मैं टू को उधर ले जाऊं तो इज इक्वल टू टू हो गया, अगला काम मैं टू से डिवाइड कर दूं तो ये वन हो गया और ये बाई टू हो गया, ये बाई टू हो गया, दिखा इंटरसेक्ट फॉर्म। इसका मतलब ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा 2.0, और ये भी पॉइंट कितना होगा 0.2। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? अब एग्जामिनर बोल रहा है कि मेरा एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसके दोनों पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो बेटा पहली बच्चा जो गलती करता है, इन दोनों पॉइंटों को पॉइंट मान के सॉल्व कर देता है, ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बना देता है, पहली गलती। अगर आप ध्यान से देखें तो उसने ये कहीं नहीं कहा कि इंटरसेक्ट वाले पॉइंट उसके ट्राइंगल है, उसने कहा वो दो पॉइंट है ना वो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो कहाँ लाई कर रहे हैं हमें नहीं पता, हो सकता है इधर लाई कर रहे हूँ, इधर फिगर मेरा ऐसा बन रहा हूँ, ठीक है, और हो सकता है अंदर लाई कर रहे हूँ, इधर फिगर मेरा कुछ ऐसे बन रहा हो। क्या सभी को बात समझ में नहीं आई? फिगर मेरा कैसे ही बन सकता है मुझे नहीं पता, तो पहली बात तो अजम्पशन ना करके बैठे हैं बच्चा, जो अजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरा बेटा, दूसरा देखते हैं, उससे उसने मुझे दे रखा है कि ऑर्थो सेंटर बेटा मेरा 0.0 पे है, ऑर्थो सेंटर मेरा 0.0 पे है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसे परपेंडिकुलर डालता हूं, ये मेरी परपेंडिकुलर होगी। अब बेटा अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब कुछ सेम होता है। अगर सब कुछ सेम होता है तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, अगर सब कुछ सेम होता है तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जाएगी, अगर बेटा मान लो ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, अगर मैं इससे ट्रायंगल बना रहा हूँ, मान लो फिगर मेरा कुछ इस तरह से पड़ रहा है, ठीक है, तो बेटा अगर ये ऐसा है, अगर ये मेरा ट्रायंगल ऐसे जा रहा है, मान लो मेरा ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ये तीन पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तो बेटा अगर ये ओ मेरा ऑर्थो सेंटर है, तो बेटा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, तो बेटा मैंने कहा था ऑर्थो सेंटर के अंदर सरकम सेंटर, इनसेंट सेंटर, सेंट्रोइड सब कुछ एक ही होते हैं। इसका मतलब बेटा ये वाला पॉइंट इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यही 2:1 में डिवाइड करेगा। तो सर उससे मुझे क्या पता पड़ेगा, उससे मुझे क्या पता पड़ेगा बेटा, देख उससे मुझे क्या पता पड़ेगा, देख कैसे कैसे चीजें पता पड़ेंगी सर, क्या पता पड़ेंगी। पहली बात तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्या पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। सर मैं ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, तो बेटा एक बात सोचो, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप 1, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, नहीं उल्टा बोला, इसका -1 तो सर कितना होगा 1, कितना होगा 1, और अगर 1 होगा और ये लाइन जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू x। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? इक्वेशन क्या होगी बेटा इसकी, y इज इक्वल टू x, और ये लाइन क्या थी बेटा, ये लाइन क्या थी, ये लाइन बेटा मेरे पास थी x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो बेटा अगर मैं y इज इक्वल टू x यहाँ पे डालूंगा तो x मुझे क्या मिलेगा 1, y मुझे क्या मिलेगा 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया 1.1, कितना हो गया 1.1। अगर सर ये 1.1 मेरा पॉइंट है तो ये दूरी कितनी आ गई बेटा, ये दूरी बेटा मेरे पास हो गई रूट टू, कितनी हो गई रूट टू। सर रूट टू कैसे, रूट टू कैसे, अरे अंडर रूट में 1-0 का होल स्क्वायर प्लस 1-0 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2√2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा हम जानते हैं, मैंने भी कहा था कि रेशियो मेरा 1:2 होता है, तो अगर ये रूट टू है तो ये कितना होगा 2√2 होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अच्छा ये पी क्यू आर लिया था, इसको मैं एस, पी क्यू आर इसको मैं एस ले लूं, एस एस एस, ठीक है बेटा। अगर आपको याद हो जो आपकी एल्टीट्यूड होती है, एएस आपकी क्या है, एल्टीट्यूड है, एएस आपकी क्या है, एएस आपकी क्या है बेटा, मैंने कुछ और नहीं रखा कि यहाँ पे
इधर समझाता हूँ फिर मैं आपको। एस आपकी एल्टीट्यूड है, यहाँ पे मैंने क्या प्रॉपरली लिखा है तो कंफ्यूजन हो सकता है। एस आपकी एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड क्या होती है बेटा? ए एस जो आपके पास है, पी एस जो आपके पास है, पी एस क्या है? एल्टीट्यूड है। और वो कितनी होती है बेटा? वो होती है बेटा रूट थ्री ए बाई टू। और यहाँ पे मुझे वो कितनी दे रखी है? थ्री रूट टू दे रखी, नहीं दे रखी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? सर थ्री रूट टू कैसे? दोनों को ऐड कर दो ना यार, टू रूट टू प्लस थ्री रूट टू, रूट टू कितना आ गया? थ्री रूट टू। तो ए कितना आ गया बेटा यहाँ से? ए बेटा मेरे पास आ गया थ्री इंटू टू इंटू रूट टू अपॉन में रूट थ्री। काटा पीटी कर दें, ये इससे कटेगा, यहाँ पे छूटेगा और रूट थ्री छूटेगा। तो बेटा डी मेरे पास कितना आ गया? बेटा डी मेरे पास आ गया, ए कितना आ गया? ए बेटा मेरे पास आ चुका है, ए क्या आ चुका है? ए ए ए ए बेटा मेरे पास क्या आ चुका है? ए बेटे मेरे पास आ चुका है टू रूट सिक्स। क्या समझ में आया नहीं आया? मतलब मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकल चुकी है। क्या निकल चुकी है? साइड। तो सर साइड से फायदा क्या होगा? आपको तो सारे पॉइंट निकालने हैं। तो बेटा एक बात सोचना, अगर आपकी साइड निकल, तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ये एस पॉइंट होगा जिस पर एल्टीट्यूड बढ़ी है, वही आपका मीडियन भी होगा, होगा नहीं होगा? इसका मतलब ये इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट होगा, और इस पूरी लाइन का मेजरमेंट, इस पूरी लाइन का मेजरमेंट कितना दे रखा है? टू रूट सिक्स। कितना दे रखा है? टू रूट सिक्स। इसका मतलब आधी लाइन का मेजरमेंट कितना होगा? रूट सिक्स। इसका मतलब एस से लेके आर तक की दूरी, एस से लेके आर तक की दूरी, ये दूरी जो है वो कितनी होगी? रूट सिक्स। और ये दूरी भी कितनी होगी? रूट सिक्स। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था रेफरेंस पॉइंट कितना है मेरे पास? 1.1। रेफरेंस पॉइंट कितना है मेरे पास? 1.1। तो याद है ये मेरा वेरिएबल पॉइंट हो गया। दूरी मुझे पता है 6, दूरी मुझे पता है रूट सिक्स, फिक्स पॉइंट मुझे पता है 1। अच्छा ये एंगल कितना होगा? 145। ये एंगल कितना है? 145। तो साइन की बात करूं तो इधर बात कर लेते हैं, कॉस 145 कितना होता है? कॉस 145 बेटा होता है -1/√2। और साइन 145 कितना होता है बेटा? 145 कितना होता है बेटा? 1/√2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पी पॉइंट क्या निकल जाएगा बेटा? पी पॉइंट निकलेगा x1, x1 की जगह 1, ठीक है। प्लस प्लस, पहली बात तो ऊपर का मतलब पॉजिटिव, ऊपर का मतलब पॉजिटिव लूंगा और नीचे का मतलब नेगेटिव लूंगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा तो ऊपर गया मैं, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, हाँ। तो ये कितना आ गया? 1 + 1 + √6, √6 और cos थीटा की जगह 1/√2। अच्छा अच्छा cos थीटा क्या था? cos थीटा नेगेटिव में था, -1/√2। क्या था? -1/√2। तो इसको माइनस बाहर निकाल दूं, सीधे इधर लिख देता हूँ माइनस। तो ये हो गया माइनस में, और ये हो गया बेटा इनटू में 1/√2। कॉमा में 1 + √6 1/√2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो आर पॉइंट कितना आ गया? आर पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। आर पॉइंट कितना आ गया बेटा मेरे पास? आर पॉइंट आ गया 1 - √3 - 1+√3। सर ये रूट थ्री कैसा आया बेटा? रूट सिक्स अपॉन रूट टू में करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? रूट थ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। और बेटा जब मैं सेम नीचे वाले को निकालूंगा तो बेटा मेरा आर नेगेटिव हो, आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब जहां पे ये नेगेटिव आ रहा था वहां पे ये पॉजिटिव देगा, और जहां पे ये पॉजिटिव आ रहा था वहां पे ये नेगेटिव देगा। तो आर की जगह मुझे एस निकालना है ना। क्यू निकाले तो क्यू कितना हो जाएगा? क्यू सेम निकलेगा बेटा मेरे पास, बस ये 1 - √3 -1 - √3 निकलेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बट अभी भी सर ये निकला है, ये निकला है, अभी भी पी पॉइंट बाकी है। तो पी पॉइंट कैसे निकालूं बेटा? फिक्स पॉइंट पता है 0.0, दूरी पता है √2 √2, एंगल कितना है? एंगल कितना है? 45। मतलब सर एंगल भी पता है। तो पी पॉइंट कितना होगा बेटा? पी पॉइंट होगा 0, मतलब x1। अच्छा माइनस या प्लस? माइनस आएगा कि नीचे है? नीचे है तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -2√2 इंटू कॉस 45, दैट इज 1/√2 1/√2। कॉमा में 0 - √2 इंटू 1/√2। तो बेटा ये कितना आ गया? माइनस में 2.2। तो बेटा मेरे पास पी पॉइंट कितना आ गया बेटा? मेरे पास पी पॉइंट आ गया -2, -2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पड़ने वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए बाय द पॉइंट 5.2 डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई माइनस टू। तो बेटा इसका मतलब इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसका प्लस माइनस वाई होगा, मतलब एक तो ये होगा और एक ये होगा,
क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, पहली बात तो समझना ठीक है। अच्छा ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से कितनी दूरी पे, उस पॉइंट से 2√2 की दूरी पे, उस 5√2 की दूरी पे जो पॉइंट आपका आएगा उससे इसके परपेंडिकुलर, इस पे आपका मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उसके इस पे क्या होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से 5√2 की दूरी पे, 5√2 के √2 की दूरी पे पड़ने वाले पॉइंट से y इज इक्वल टू x पे आपको परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेटा अगर ये मान लो 5√2 की दूरी पे जो पॉइंट है वो h कॉमा k है, तो पॉइंट कैसे निकलेंगे, ये पॉइंट क्या आया बेटा, ये पॉइंट आया बेटा मेरे पास 0, -2, 0, -2 बेटा एच कितना आ गया 0 + 5√2 cos 45 = 5 आ गया, कि कितना आ गया -2 + 5√2 cosine 45 = 3 आ गया, मतलब ये पॉइंट कितना आ गया 5, 3 ठीक है। और अगर 5, 3 से मैं परपेंडिकुलर डालूं तो कहाँ पड़ेगा बेटा इस पे, बेटा वो पड़ेगा 0, 3 पे, तो आंसर कितना आ गया 0, 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए अगली हेडिंग है बेटा मेरे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस बेटा देखो दो लाइंस के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो दो लाइन के बीच का बेटा मेरे पास एंगल थीटा दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है ठीक है। तो बेटा पहली बात तो ये कि दोनों लाइन कभी ना कभी एक्सिस को कट करेंगी ठीक है ना, और बेटा जिस पे वो एक्सिस को कट कर रही है तो मान लो पहली लाइन जो कट कर रही है उस वो थीटा वन पे कट कर रही है और दूसरी लाइन बेटा थीटा टू पे कट कर रही है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा यहाँ से मैं थीटा को क्या बोलूंगा, आप दिख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा मेरे पास, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो हम जानते हैं सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द सॉरी वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब थीटा टू प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा वन ठीक है। तो थीटा कितना आ गया बेटा, थीटा बेटा मेरे पास आ गया थीटा वन माइनस थीटा टू, कितना आ गया थीटा वन माइनस थीटा टू ठीक है। अब बेटा लाइन के बारे में, बेटा मुझे लाइन का स्लोप पता होता है, स्लोप का मतलब टेन थीटा वन और टेन थीटा टू बेटा आपको पता होता है एम वन एम टू ठीक है। तो क्या करोगे पूरे पे टेन लगा दूं तो बेटा मेरे पास टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, पूरे पर टेन लगा दिया तो मुझे मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस थीटा टू, दैट इज टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन टेन टेन थीटा टू। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा टेन थीटा की जगह एम वन, थीटा टू की जगह एम टू, तो बेटा मुझे क्या मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा हुआ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब बेटा एक्चुअल में एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में जब मैं दो लाइंस के बीच के एंगल की बात करता हूँ तो बेटा सिर्फ यही एंगल नहीं है, ये एंगल भी तो होगा ना, अरे सिर्फ ये एंगल तो थोड़ी है, इस एंगल को तो मान सकता हूँ मैं, तो ये एंगल ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा पाई माइनस थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं इस पूरे पे मॉड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं मॉड। मॉड क्यों लगाते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है बेटा तो दो ही एंगल बनना पॉसिबल है, इसका मतलब जो एक एंगल होगा वो तो 90 से छोटा होगा और दूसरा जो एंगल होगा बेटा वो मेरा 90 से बड़ा होगा। तो बेटा मॉड लगा के बेटा मैं उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता हूँ ठीक है ना, इससे क्या निकलता है बेटा मेरा एक्यूट एंगल निकलता है, क्या निकलता है एक्यूट एंगल निकलता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब आपको बेटा मैंने केसेस दे दिए हैं कि भैया अगर मेरे पास लाइन होगी तो उनके एंगल कैसे निकालूंगा, कुछ मत करो लाइन के एम वन एम टू निकाल लो और वैल्यूज डाल लो आपकी वैल्यूज निकल जाएगी ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, बट मैं कहूंगा इसको याद मत करो एग्जाम में खुद निकाल लेना ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर बेटा दोनों लाइन पैरेलल हैं इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो होते ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपको क्या मिल जाएगा एम वन एम टू इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल। अगला क्वेश्चन एंगल बिटवीन दीज लाइन, होमवर्क अभी ट्राई, ये आपको होमवर्क घर पर ट्राई करना है होमवर्क ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ लाइन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो एंड पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस वन वाई प्लस 29 इज इक्वल टू जीरो आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, आपको प्रूव करना है कि भैया ये दोनों परपेंडिकुलर। बेटा देखिए क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट है, फाइंड अ पी करना है। अब क्वेश्चन को एक बार समझिए बेटा, दोनों लाइंस एक सेम लाइन के परपेंडिकुलर है, एक बार सोचिए एक लाइन के परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस होती है इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, दोनों बेटा आपस में पैरेलल, दोनों आपस में क्या है बेटा, दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब एम वन इज इक्वल टू एम टू, एम वन इज इक्वल टू एम टू। अब देखो हम निकालते हैं एम वन इज इक्वल टू एम टू ठीक है। अब देखो बेटा एम वन मेरे पास कितना आएगा, अगर आपको याद हो तो वाई को एक तरफ ले जाओ, वाई को एक तरफ ले जाओ ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था तो वाई इधर चला गया ठीक है ना, एम एम कितना जाएगा बेटा, एम बेटा मेरे पास सिंपल सा आ जाएगा
कोफिशियंट ऑफ एक्स, देखो ध्यान रखिएगा, मैं एक बार आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का सी, तो वाई बेटा मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर बेटा आप इसको बात करें तो बेटा ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, बेटा ये लिखा हुआ है कोफिशियंट ऑफ ए अपॉन में कोफिशियंट ऑफ बी, लिखा हुआ है कोफिशियंट ऑफ ए अपॉन में कोफिशियंट ऑफ बी, ठीक है ना, उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ ए अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है। तो इधर मैं देखता हूँ माइनस में, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में वन होगा, कोफिशियंट ऑफ वाई इज इक्वल टू में माइनस में बेटा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में ये वाली वैल्यू पी स्क्वायर प्लस वन माइनस में। अब बेटा जरा ध्यान से अगर आप देखें क्वेश्चन में, काटाबिटी करना स्टार्ट करें तो देखिए ये वाला बंधु इसकी एक पावर से कटा, दूसरी पावर से बेटा ये वाला बंधु कटा, आपको सीधे क्या मिल गया, पी इज इक्वल टू माइनस वन, पूरा क्वेश्चन काटाबिटी हो गया, सीधा आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला हेडिंग देखिए बेटा, लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, बेटा ध्यान रखिएगा कभी भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे गिवन लाइन दे रखी है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और मुझे उसकी पैरेलल लाइन कोई उसकी कोई पैरेलल लाइन लेनी है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे बेटा, मैं उसकी कांस्टेंट को सी की जगह के कर दूंगा, तो नई लाइन क्या होगी बेटा मेरे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि मुझसे पूछा गया है फाइंड पैरेलल लाइन टू द लाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू, ठीक है, मुझे लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो पैरेलल लाइन होगी तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों एज इट इज, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्स आप एक्स और वाई आपके एज इट इज थे, तो मैं क्या बोलूंगा माइनस एक्स सॉरी एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, और कॉन्स्टेंट फाइव की जगह बेटा मेरे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू जीरो, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोल रहा है कि ये लाइन जो है वो वन कॉमा टू से पास कर रही है, ठीक है, तो इक्वेशन में वन कॉमा टू डाल दो आपका के निकल जाए, के कितना आ गया थ्री, तो आंसर कितना आ गया एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो मेकिंग 24 यूनिट एरिया ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंपल सी बात, क्वेश्चन समझिएगा कि एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है पैरेलल है, और वो जो लाइन है बेटा वो दोनों एक्सिस से एक ट्राइंगल बना रही है जिसका एरिया कितना है 24 यूनिट, कितना है बेटा 24 यूनिट, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इसी की बात करूंगा तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, देखो अगर मैं इसका स्लोप निकाल, पहली बात तो एक क्वेश्चन क्या बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी 3x plus 4y सी की जगह क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ से बेटा मैं लिख सकता हूँ माइनस में के बाई थ्री प्लस वाई में माइनस में फोर बाई के बाई फोर, माइनस में के बाई फोर इज इक्वल टू वन लिख सकता हूँ। सर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बेटा, पहले तो मैं के को उधर ले गया, सामने ले गया, तो सामने ही जाते क्या हो गया बेटा, वो बेटा मेरे पास हो गया सामने जाते कितना हो गया, वो हो गया माइनस के। अगला काम क्या किया मैंने, माइनस ए का पूरे से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते बेटा वो क्या आ गया बेटा, डिवाइड करते ये आ गया नीचे माइनस के और ये भी आ गया नीचे माइनस के। अगला काम क्या किया बेटा, मैंने तीन को नीचे लिखाया चार को नीचे लिखाया, ये मेरे पास ये फॉर्म आ गया। सर फायदा क्या हुआ बेटा, मैंने इंटरसेक्ट फॉर्म निकाली, क्या निकाली है बेटा इंटरसेक्ट फॉर्म। सर क्यों निकाली, क्योंकि बेटा अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब अगर आप लाइन बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से फिगर मिलेगा, ठीक है। ये दूरी आपको पता है कितनी माइनस के बाई थ्री, ये दूरी आपको पता है कितनी माइनस के बाई फोर, और इसका एरिया आपको कितना दे रखा है बेटा 24। आपका काम क्या होगा, के की वैल्यू को निकालना। तो बेटा देखिए मेरे पास क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस के बाई थ्री इंटू माइनस के बाई फोर इज इक्वल 24, माइनस से माइनस कटा तो के कितना आ गया बेटा, देखो थ्री इंटू
टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू फोर 24, 24 ही आ रहा है, 24 ही आ रहा है, तो के स्क्वायर कितना आ गया 24 स्क्वायर, तो के कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 24, तो आंसर कितना आएगा बेटा आंसर एक 24 एक बार माइनस 24। अब बेटा सर दो दो आंसर कैसे आ गए सर, बेटा दो दो आंसर ऐसे हैं कि एक बार तो लाइन ये बनेगी तो भी एंगल 24 होगा, और एक बार जब इधर बनेगा तो भी 24 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, इस वजह से बेटा आपके दो आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे दो आंसर, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है कंडीशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी लाइन परपेंडिकुलर है इसका मतलब स्लोप इस क्या होगी माइनस वन, एम वन इंटू एम टू इजिकल टू माइनस वन, ठीक है ना। इज इट क्लियर टू ऑल सर, ये कैसा है, ये कैसा है बेटा, सिंपल सी बात है, आप जानते हो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब वन अपॉन जीरो बोल दूँ, मतलब नीचे वाला जीरो होने वाला है। नीचे वाला जीरो कब होगा, जब वन प्लस एम इजिकल टू जीरो, तो एम कितना आ गया, एम वन प्लस एम टू कितना आ गया माइनस वन, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिएगा बेटा यहाँ पे, इफ एम वन एम टू इजिकल टू माइनस वन, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट आपका माइनस वन है, इसका मतलब बेटा लाइन आपकी परपेंडिकुलर होंगी, लाइन आपकी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कभी दो चीजों का प्रोडक्ट आपका 21 नहीं आ रहा, सॉरी माइनस वन नहीं आ रहा, 21 नहीं माइनस वन नहीं आ रहा, ठीक है, तो भी बेटा आपकी लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है। इफ इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन एम वन एम टू इज माइनस वन इज नॉट नेसेसरी, तो सर हमें कैसे पता पड़ेगा, बार बार थोड़ी चेक करेंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो नॉट वाला केस होता है ना वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक ही केस होता है, कौन सा, पैरेलल लाइंस वाला, याद है, इसका स्लोप जीरो इसका स्लोप इन्फिनिटी, दोनों परपेंडिकुलर है बट दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन नहीं जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। इस वाले केस को छोड़ के बाकी सब केसेस में दोनों का प्रोडक्ट मेरा माइनस वन आएगा, ध्यान रखिएगा। इस वाले केस को छोड़ के जब दोनों लाइन अगर आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाती हैं, उस केस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में एम वन एम टू बेटा मेरे पास माइनस वन आएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अच्छा ये वाला केस तो मैंने आपसे कहा था आप खुद ही निकालना है, ये याद मत करना, अपने आप सॉल्व करके आना, ठीक है ना, अपने आप सॉल्व करके आना, ठीक है। बट फिर भी ये लिखा हुआ है तो लिखा जाता हूँ कि अगर आपको लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल टू जीरो, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर कंडीशन होती है बेटा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इजिकल टू जीरो, क्या होती है बेटा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इजिकल टू जीरो, अगर आप याद कर सकते हैं तो, ठीक है ना। नहीं तो हैंड टू हैंड एम वन निकालो एम टू निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइन 2x प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस टू इजिकल टू जीरो एंड x प्लस ए माइनस वन वाई माइनस वन इजिकल टू जीरो आर परपेंडिकुलर देन फाइंड ए, देन फाइंड ए। बेटा अभी हमने देखा था a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, तो a1 कितना है 2, b1 कितना है, a1 a2 कितना है 1, a2 कितना b1 कितना है b a स्क्वायर, b2 कितना है a-1, तो 2 into 1 प्लस a स्क्वायर into a-1 इक्वल टू 0। बेटा मेरे पास क्या आ गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। आप बेटा x की जगह 1 माइनस 1 पुट करिए तो देखिए आपका आंसर एक फैक्टर आ गया, ठीक है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। अगला काम बेटा पूरे को बेटा आपको फैक्टर करना है, कैसे करोगे, एक्स प्लस वन से चाहे तो उसका डिवाइड कर दो और फैक्टर कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो, ठीक है। बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा इस वाली इक्वेशन का डी नेगेटिव है, डी आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये इक्वेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो कौन देगा बेटा, जीरो बेटा आपको देगा ए प्लस वन इजिकल टू जीरो, तो ए कितना आ गया बेटा, ए मेरे पास आ गया माइनस वन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगली हेडिंग क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इस ये क्या था बेटा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर एंड की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो बेटा याद रखना अगर मेरे पास गिवन लाइन मुझे दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर लाइन होगी बेटा एक्स और वाई का इंटरचेंज, एक्स और वाई का इंटरचेंज और बेटा वाई का साइन चेंज। पहली बात तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का इंटरचेंज और वाई का साइन चेंज, ठीक है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या हो जाएगी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, सी की जगह लैम्डा भी आएगा, ध्यान रखिएगा सी की जगह लैम्डा आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ स्टेप ऑफ स्टेप क्या होगी, स्टेप वन चेंज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड पुट अपोजिट साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और वाई क्या क्या करोगे नेगेटिव का साइन कर दोगे। जैसे आपको लाइन दे रखी है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो उसकी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी बेटा, ये होगी बेटा कोएफिशिएंट का इंटरचेंज, 2x की जगह 3x, 3y की जगह 2y
और साइन चेंज वाई का, तो बेटा मेरे पास क्या हो गया, 3x-2y प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। आगे बेटा ये अगला वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड फाइंड परपेंडिकुलर लाइन टू 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1,2। तो लाइन क्या होगी बेटा इसकी परपेंडिकुलर, मेरे पास हो जाएगी 4x-3y प्लस k इज इक्वल टू 0, पास कहां से कर रही है 1,2 से, तो 1,2 डाल दिया बेटा, k कितना आ गया, k इज इक्वल टू आ गया 2, तो आंसर कितना आ गया 4k-3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर चाहिए और बेटा जो क्या करिए, मेक ए, हाँ मेक ए ट्राइंगल, मेक ए ट्राइंगल हुज एरिया इज विद कोऑर्डिनेट एक्स इस 12। बेटा सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, ये वाला है जो ये वाला क्वेश्चन है, पहले आपको इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर लाइन की, उसको इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो ट्रायंगल बनेगा ना उस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना। एरिया की वैल्यू इस बार कितनी दे रखी है बेटा मुझे, इस बार बेटा एरिया की वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है 12, कितनी दे रखी है 12, ठीक है। वहां से बेटा आपको आंसर को निकालना है, ठीक है ना। अगला हेडिंग देखिए बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन व्हेन वन लाइन इज परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बेटा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा अगर मेरी उन दोनों में, देखो हम क्या बोलते हैं बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। अब एक बात सोचो कि अगर दोनों में से एक एंगल अगर मेरा 90 डिग्री हो गया तो m कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा जरा वो समझिएगा बेटा। तो बेटा उस केस में बेटा हमारा आंसर क्या होगा, tan थीटा, देखो tan थीटा थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 होगा, तो यहां से थीटा कितना आ गया 90 माइनस थीटा 1, तो tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा आ जाएगा बेटा tan 90 माइनस थीटा 1, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा 1, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा 1, इज इट क्लियर, क्लियर टू क्लियर और नॉट, क्या सभी को समझ में आया। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 दैट इज 1/m1। तो बेटा ध्यान रखिएगा ऑलवेज आंसर कितना होगा, स्लोप बिटवीन द टू लाइंस इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1, क्या होगा बेटा 1/m1, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन y इज इक्वल टू x एंड √3-y+3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 कितना हो गया, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना देखा बेटा, यहां से देखो m1 कितना आ गया बेटा, यहां से y मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू √3x+3, बेटा यहां पे x और होगा लिखना भूल गया मैं, हाँ तो m कितना आ गया √3, तो आंसर कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हेन एंगल बिटवीन द लाइंस इज व्हेन वन ऑफ दैट वन व्हेन एंगल बिटवीन द टू लाइन इफ वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या था बेटा, जब एक लाइन वाई के पैरेलल है, ये किसका है बेटा, जब एक लाइन मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात ये है, ये एंगल मेरा होना चाहिए थीटा होना चाहिए, अच्छा ये एंगल कौन सा है थीटा 1 लाइन का स्लोप, तो एक बात सोचो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, होंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल टू m1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होने पे 1/m1 आंसर था और पैरेलल होने पे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा सीधे m1 हो जाएगा, क्या सभी को समझ में आया, नहीं है, जैसे एग्जांपल मैंने ये ले लिया tan थीटा एंगल बिटवीन √3x-y+1 एंड y इज इक्वल टू 4, तो इस बार क्या ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो आंसर कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 दैट इज √3 थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। अगला क्या है बेटा, व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं तो बेटा हमारे पास कंडीशन क्या होती है, दो लाइन मुझे दे रखी है a1x+b1y+c1=0 एंड a2x+b2y+c2=0, कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा a1/a2=b1/b2=c1/c2, ठीक है। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन मुझे दे रखा है 2x+3y+5=0 और λx+6y+2=0 आर कोइंसिडेंट, देन फाइंड लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा। हां बेटा अगर कोइंसिडेंट हैं इसका मतलब आपकी लाइंस क्या होंगी, क्या होंगी, इनका रेशियो बराबर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा 2/λ=3/6=5/2 होगा बेटा। जरा ध्यान से देखना क्या ये दोनों इक्वल जा रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल जा नहीं जा रहे इसका मतलब ये बंधु कभी भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तो मैं क्या बोलूंगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई, क्योंकि तीनों का इक्वल होना जरूरी था और इन दोनों ने तो इक्वल होने से मना कर दिया, क्लियर। अब आप यहां पे लैम्डा कुछ भी डालो ये या फिर तो इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा, दोनों के बराबर एक साथ बराबर नहीं हो सकता, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कुछ नहीं कंडीशन क्या होती है, a1/a2=b1/b2=c1/c2,
तो यहाँ पे वापस करूंगा, 2 upon lambda a1 upon a2 plus 3 upon 6 b1 upon b2 is equal to 5 upon 2 c1 upon c2। बट ये दोनों मेरे इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मेरा कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होगा, और कोइंसिडेंस नहीं होगा तो लेमडा की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ, चलिए अगले आइटम पे चलते। और वो चलिए बेटा आज ही यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास बेटा हमारी जो भी होगी वो बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंसिडेंट इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन आर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्लास इज ओवर, बाय।